स्पोर्ट्स ट्रेंड कनाडा में आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक बसलाहियत मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मौजूद हैं जिन्होंने दो सीज़न कबल फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड भी तोड़ा, 1000 से ज़ायद रन बनाए और इस साल आपने पाकिस्तान शाहींस की, पाकिस्तान एमर्जिंग की नुमाइंदगी भी इनको करते हुए देखा। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान गुलाम। कामरान, सबसे पहले तो नेशनल T20 आप खेल रहे हैं, एबटाबाद की टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं बड़े अरसे के बाद, कैसा फील हो रहा है? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी टाइम बाद मेरे ख्याल से एबटाबाद से खेल रहे तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि सारे एक इकट्ठे हम खेलते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक यूनिट नज़र आ रहा है, फ़खर जमान भी हैं, यासिर शाह भी हैं, आप खुद हैं, खालिद उस्मान है, फिर जो आपके कोचिंग स्टाफ है, काफ़ी अर्से बाद वो रौनक एक वापस नज़र आ रही है जिसमें आप खेलते हुए नज़र आते थे। एक ज़माना था 2016-17-18 हमने आपको खेलते हुए देखा था इसमें। जी बिल्कुल, काफ़ी एक यूनिट आपको नज़र आते हैं क्योंकि आप जब पहले इकट्ठे क्रिकेट खेलते हो तो इसको जाहिर सी बात है फिर आपको मतलब एक जल टीम नज़र आता है। कामरान, 10-11 साल से प्रोफेशनल क्रिकेट आप खेल रहे हैं लेकिन पिछले 3 साल से आपका नाम बहुत रेकग्निशन में आया, पाकिस्तान टीम के साथ आपने टूर्स भी किए, फर्स्ट क्लास में आपने रिकॉर्ड भी तोड़ा, क्या ऐसा चेंज किया अपनी बैटिंग में या बीइंग एज अ प्लेयर कि आप समझते हैं कि आप मज़ीद बेहतर हुए? जी बिल्कुल, काफ़ी पिछले 4 साल से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो रहा है, वनडे में भी हो रहा है, T20 में भी, 4-day में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो रहा है। यही है कि सिर्फ माइंड सेट चेंज किए, आजकल का जो मॉडर्न क्रिकेट है तो उस पर थोड़ा फोकस किया है तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है। अच्छा, इस साल पाकिस्तान शाहीन से आप जिम्बाब्वे के दौरे पर भी गए, फिर श्रीलंका भी गए, डिफरेंट जगहों पर आप खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कितना हेल्प कर रहा है डिफरेंट कंडीशन में जाके खेलने का? जी बिल्कुल, आप जब या बाहर जाते हो डिफरेंट कंडीशन में आप क्रिकेट खेलते हो तो जाहिर सी बात है आपको कंडीशन का पता होता है, कंडीशन आप गेन करते हो तो इससे काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे को होता है। अच्छा कामरान, एक सवाल ये कि आप ने टूर्स बहुत किए लेकिन बगैर खेले आप टीम से बाहर भी हो जाते थे, कुछ ऐसी बात बताई गई है, आपने कुछ ऐसा फील किया कि अभी मज़ीद बेहतर इस पे वर्क करने की ज़रूरत है ताकि कम बैक करूँ? जी बिल्कुल, परफॉर्मेंस हर टाइम करता हूँ, टीम में आ जाता हूँ पर अनफॉर्चुनेटली चांस नहीं मिलता, बंदे को मायूसी होता है, जाहिर सी बात है आप इतने टूर करोगे तो टूर करते हो तो उसके बाद तुम्हें चांस नहीं मिलता, बट होप है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह से उम्मीद है जब भी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला अच्छे से अच्छा करूँगा। PSL की ट्रॉफी जीत चुके हैं शाहीन के अंडर, वो एक्सपीरियंस कैसा था? जी बिल्कुल, लास्ट 2 PSL की ट्रॉफी हम जीते, काफ़ी अच्छा। शाहीन को आपको तो पता है भी, माशाल्लाह पाकिस्तान टीम का भी कैप्टन हो गया, काफ़ी अच्छा कैप्टन है तो इंशाल्लाह अच्छे करके देगा। अच्छा, बैटिंग तो आप बहुत अच्छी करते हैं, लास्ट में बस जानना चाहूँगा बॉलिंग को कितना टाइम देते हैं, बॉलिंग कितनी करते हैं क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर भी और बड़ा रेगुलरली बॉलिंग करते हुए नज़र आते हैं। जी बिल्कुल, बैटिंग के साथ आपको पता ही है 3-1 चाहिए होता है कि T20 में, तो 3-1 आपको चाहिए होता है, तो बॉलिंग भी कर लेता हूँ, बैटिंग करता हूँ, फिर जब टाइम मिलता है तो उस पर बॉलिंग पर भी थोड़ा काम करते हैं। चलें, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू।